हमारे बीच यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसारी बैठे हुए हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं कार्यसभा के, में जोशी जी, प्रताप सिंह कचरवाल जी, अनूप भरतरे जी। मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स, अनवेगा मॉल, अजमेर। संजीव श्रीवास्तव जी, मधुकर सक्सेना जी, अनिल माथुर जी, अवध बिहारी जी और तमाम समाजों के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं अध्यक्षगण, मुझे बहुत खुशी है कि अनूप भरतरे जी ने एक प्रयास किया कि किस प्रकार से सभी समाज के लोग यहाँ मौजूद हो। सुरेश मिश्रा जी हैं, जस्टिस बोनफी से, क्रिश्चियन जैन समाज से गोदा जी, राजेंद्र राजाराम जी मिल साहब हैं, गिरिराज जी लोटोरा जी राजपुर समाज से, रोशन सैनी जी हैं सिंधी समाज से, सुनील परवानी जी सिख समाज से, जी एस होरा जी बेची समाज से, एच एस अग्रवाल और गोपाल गुप्ता जी वाल्मीकि समाज से, कमल वाल्मीकि जी मैत्री समाज से, सोमानी जी, गोपाल मालवानी जी, राजीव अरोड़ा जी, पंजाबी रवि नैयर जी और सरदार शकील जी और तमाम उपस्थित समाज के पदाधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, कायस्थ जनरल सभा के माध्यम से आज ये कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। जब अनूप जी ने मुझे इन्वाइट किया तो साधारणतः मैं जाति के समाज में मीटिंग में जा नहीं पाता, ये जाना नहीं चाहता हूँ, पर ये जाति नहीं समाज इसलिए मैं आया जहाँ सब समाज के लोग साथ बैठे हैं और जिसके बारे में एक अलग तरह का समाज है। मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँ समाज के बारे में, तो मैंने कहा कि जो इकबाल ने लिखा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। ये समाज ऐसा है जिसके बारे में अभी जब फिल्म बताई जा रही थी तो कौन सा क्षेत्र छूटा जिसमें समाज का दखल नहीं, कौन सा समाज, मुझे अच्छा लगा। बड़ी से बड़ी हस्ती हैं जिसने मुल्क को आज़ाद करवाया हो, वो सब इस समाज से ताल्लुक रखती हैं। जिस रूप में देश और प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि उनका संदेश आज भी देशवासियों के कानों में गूंजता है। वो स्थिति उस जमाने की हर क्षेत्र में, राजेंद्र बाबू जिनका मान और सम्मान आज भी देश में कायम है, प्रथम राष्ट्रपिता थे, लालन शास्त्री आज भी दिलों के अंदर राज करते हैं, जय जवान जय किसान, सोमवार का उपवास करो बचपन याद है हमें, आज भी कई लोग होंगे परिवार के लोग देश के अंदर जो आज भी शास्त्री जी के कहे हुए आह्वान को लेके आज भी उपवास रखते होंगे सोमवार। ये क्रेडिबिलिटी की बात है, ये इच्छा की बात है, सम्मान की बात है। ऐसी ऐसी हस्तियाँ हुई है कोई सोच नहीं सकता, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, अभिनेता, समाज सेवक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, न्यायविद, कलाकार, राजनेता और विभिन्न क्षेत्रों में। सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद,
एक एक बढ़कर के हरविंद राय बच्चन मधुशाला जिसकी पंक्ति सुनी हमने, तो समाज के बारे में मैं जितनी बात कहूँ उतनी कम है। और राजस्थान के अंदर मथुराधर माथुर फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ियों को नहीं मालूम है कि किसका क्या योगदान था। आने वाली पीढ़ियों में तो सोशल मीडिया जो राजीव गांधी लेके आए थे, सपना देखा था 21st सेंचुरी का, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल फोन सब आ गए, दुनिया मुट्ठी में हो गई, उसके माध्यम से ही हमें बताना पड़ेगा कि देश को बचाना है तो देश के इतिहास की धरोहर को रक्षा करनी है, जो हमारी खाती है, जो आवश्यक है देश के फ्यूचर को बनाने के लिए, तो जरूरी है कि हम इतिहास जो स्वर्णिम वर्षों में लिखा गया है उसको सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग हो, जिस रूप में आज पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या निकाल जाए। 12 साल तक जो आदि व्यक्ति जेल में रहा हो, वो जेल में थे तो कमला नेहरू उनकी पत्नी सड़कों पर उतरती थी, उस जमाने के योद्धा कितने गिने हैं आप, देखिए जयप्रकाश नारायण से लगा करके कितने लोग थे, राजेंद्र बाबू थे, शास्त्री जी थे, उन सबको भुला दिए जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई षड्यंत्र करेगा, कोई अपनी विचारधारा को थोपना चाहेगा देश के अंदर, धन बल के प्रयोग करके वो अगर सोशल मीडिया एक क्रांति के रूप में है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप संदेश देना चाहते हैं, अगर सही संदेश दे गया आने वाली पीढ़ी को मालूम नहीं होगा कि देश में कभी जंग लड़ी गई आज़ादी की, गुलाम थे, त्याग बलिदान कुर्बानी हुई, वही बात होगी जो आइंस्टीन ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में, आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि महात्मा गांधी नाम का कोई व्यक्ति हाडमांस का इस धरती पे चला है, वही बात होगी। जरूरी है हम अपने इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, और मैं समझता हूँ जो फिल्में दिखाई गई उसके माध्यम से आप कामयाब होंगे, किस प्रकार से समाज के लोगों का भी, जो मैंने बताया विभिन्न किस किस फील्ड के अंदर क्या क्या योगदान है, उनके बारे में अगर आने वाले वक्त में जानकारी मिलेगी तब जाकर के नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। मथुराधर माथुर जिनको भाजी के अंदर प्यार से उस जमाने की हस्ती थी, फ्रीडम मोमेंट में कायस्थ होकर के बड़ी कौम नहीं थी तब भी कूद पड़े थे, लाटे खाई उस जमाने के अंदर, संघर्ष में भाग लिया, राजस्थान के सरकारी मंत्री रहे, लंबे समय तक सेवा की राजस्थान की। शिवचंद्र माथुर जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, मुझे गर्व है जिस पार्टी से मैं आता हूँ, कांग्रेस पार्टी से, वो पार्टी की जो विचारधारा है जो गांधी की दी हुई है, पंडित नेहरू की, मौलाना मुकराम आजाद की, सरदार पटेल की, उसके कारण से 70 साल के बाद में भी यहाँ पर लोकतंत्र कायम रहा। जो लोकतंत्र की मूल भावना है, लोकतंत्र समाजवाद धर्मनिरपेक्षता की, उस पर कायम रहा, मुल्क एक व अखंड रहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक साथ आजाद हुए थे, पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जेल, फांसी के फंदे पर चढ़ाने की बातें, और फांसी के फंदे में चढ़ भी गए भुट्टो साहब, अब बारी आ रही है परवेज मुशर्रफ साहब, कहाँ कितना बड़ा फर्क है, और फिर भी 70 साल में क्या किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने सबने समाज के जो महानुभावों के महापुरुषों के बारे में बताया अभी, क्या उन सब का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, कैसे गुमराह करो देश का। मैं वापिस उन नामों को रिपीट नहीं करना चाहता,
एक से एक बढ़ करके साइंटिस्ट भी थी, राजनीतिज्ञ भी थी, हर क्षेत्र में, और उनके योगदान का भुला दे जाएंगे। ऐसा माहौल बना दिया देश में, कुछ भी नहीं हुआ 70 साल में। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने मोदी जी, 4 महीने में गए इसरो, मंगल ग्रह पे यान छोड़ा गया और मोदी जी 4 महीने में मंगल ग्रह पे पहुंच रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये इसरो बने हुए 35 साल हो गए होंगे। पहले प्रधानमंत्री जो एक शब्द नहीं बोलते हैं, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल मेजर उनके सैनिकों सहित हथियार संग्रह करवा दिए, कोई नहीं बोलते। इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर, मोदी जी के मुंह से आज तक नहीं सुना मैंने। खालिस्तान ने बनने दिया, वहां 2 टुकड़े हो गए, खालिस्तान ने बनने दिया, जान दे दी अपनी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। राजीव गांधी शहीद हो गए, इंदिरा गांधी ने कहा था मरने के पहले, मैं उनका डिप्टी मिनिस्टर था, मुझे उन्होंने कहा मेरी जान जा सकती है, उन्होंने कहा उड़ीसा के अंदर मेरी जान जा सकती है, और अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। हम भूल सकते हैं, हम भूल सकते हैं क्या? ये बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। एक विचारधारा, एक धर्म के नाम को भड़का दो आप, आसान काम हो जाता है। आग लगाना आसान काम होता है, आग बुझाने में वक्त लगता है। ये स्थिति अच्छी नहीं है देश के लिए। शिवचर माथुर जी काश कांग्रेस थे, 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, ये कांग्रेस की विचारधारा का परिणाम है, वो मुख्यमंत्री बन गए। आपके सामने खड़ा हूँ, माली कम्युनिटी का हूँ मैं, 200 विधानसभा में 100 लोग, 115 लोग, 12 लोग कांग्रेस के होंगे, मैं अकेला मेरी कास्ट का माली कम्युनिटी एक हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ मैं आपके आशीर्वाद से, तीसरी बार बताइए। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है जिसने एक माली कम्युनिटी के व्यक्ति को, जो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता था, जाति के आधार पर होती तो आज कभी मैं माली कम्युनिटी का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कायस्थ कौम का व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री सपने देख नहीं सकता। ये कांग्रेस से उसकी विचारधारा है, उसकी नीति है, उसके कार्यक्रम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये समाज आपका जो है, उसने देश को बहुत दिया है, आपको गर्व होना चाहिए। ये हस्तियों के नाम कम नहीं हैं, जो हस्तियों के नाम बताए गए हैं वो कम नहीं हैं, बहुत बड़ी हस्ती थी वो, जिसके नाम इतिहास में दर्द है, कोई मिटा नहीं सकता उनका। और ये मिटाने की बात करेगा, जैसे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, मैं कहता हूँ कांग्रेस मुक्त कभी होगी, कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं, कांग्रेस मुक्त की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएगी, मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपको आह्वान करूँगा कि अरुण भट्टी जी ने एक प्रयास किया है सबको यहाँ बैठाने का, बात करने का, और एक संदेश देने का, जो भी वो अपने भाव बता रहे थे, सर्वजन सुखाय की बात कर रहे थे, यही बात है सर्वजन सुखाय। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है, इससे खूबसूरत बात हो नहीं सकती। ये बात कृपा करके अमित शाह तक पहुँचा दो, बात अमित शाह तक पहुँचा।
ये सदी शिवरात्रि पहुंचा सकते हैं। सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी से है, ना अमित शाह जी से है, ना आरएसएस से है, ना बीजेपी से है। इसी मैंने कहा, अगर आरएसएस जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आज सरकार में नहीं है, पर सब कुछ वही है, सारे मुख्यमंत्री कौन बने देश में, मंत्री कौन बने, पता नहीं चलता उनके बगैर। आप संजय गांधी को मतलब आरोप लगाते थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गया है देश में, वो तो बना के नहीं बना, आज आरएसएस बनी हुई है। और मैं दिल से कहना चाहता हूँ, उनके हित में कहना चाहता हूँ कि समय आ गया है, आप पीछे छिपके वार नहीं कर सकते, आप सामने आओ, बीजेपी को मर्ज करो आरएसएस के अंदर, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, विचारधारा रखो अपनी जो आपकी है, हिंदुत्व की है, हिंदू राष्ट्र की है, जो चाहो आप, जो आपकी विचारधारा कहती है दिल के अंदर, देश के सामने रखो। अगर आपकी लोकतंत्र में आस्था थोड़ी बहुत भी है तो लोकतंत्र ये कहता है अपनी अपनी विचारधारा बताए जनता को, जनता जनार्दन को, आवाम को, उनकी नीतियाँ, उनके कार्यक्रम क्या देश के लिए, देशवासियों के लिए, किस तरह चाहते हो देश ले जाना आप, जनता फैसला करेगी कि हमें देश को किस दिशा में ले जाना है, जनता फैसला करेगी। अभी आप सोशल वर्क करते हो, अच्छा काम करते हो, महिलाओं में अच्छा काम, शिशुओं में अच्छा काम, आदिवासियों में अच्छा काम, और पीछे छिपके जब वक्त आता है तो आप अपने हिंदुत्व के एजेंडे को ले आना चाहते हो आगे बीजेपी के माध्यम से, ये हमें स्वीकार नहीं। अब खुल के आओ, अपनी बात कहो, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है, जो मेरी समझ कहती है, कि धर्म के नाम पर सिरफिरे लोगों ने हिंदुस्तान के दो टुकड़े करवा दिए, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिए, जो जरूरत नहीं थी जिसकी, धर्म के नाम बना दिए। अगर धर्म के नाम पर देश बना सकते हैं पर देश कायम नहीं रख सकते, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए ये सिद्ध हो गया, मुस्लिम धर्म के नाम पर मुल्क बन गया अलग से, फिर मुस्लिम धर्म के नाम पर मुल्क एक क्यों नहीं रहा, दो टुकड़े क्यों हो गए, बांग्लादेश के भी लोग मुसलमान हैं, पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, दो टुकड़े क्यों हो गए, फिर वहाँ क्यों आ गए ये बंगाली और ये पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान हैं। क्या आप चाहते हो हिंदुस्तान में के अंदर भी स्थितियाँ पैदा हो आने वाले वक्त के अंदर, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल बाद में? तमिलनाडु तो 40 साल पहले कह चुका था हम तमिल अलग होना चाहते देश से, खालिस्तान आपके सामने रहा, कितने हिंदू मारे गए थे, रोज मारे गए थे हिंदू, 40 लोग 50 लोग 60 लोग, भूल गए हम लोग? इंदिरा गांधी ने ऐसे एक्शन नहीं किया, बचा लिया मुल्क को, एक रखा अखंड रखा। हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, कितने टुकड़े होंगे देश के, रशिया वाला मुल्क था, मित्र राष्ट्र था, सुपर पावर थी अमेरिका के मुकाबले की, 16 राष्ट्र बन गए रशिया के, खुल के हम बोलते नहीं हैं। और मैं समझता हूँ ये वक्त जो है, जब जेएनयू के अंदर गुंडे घुस सकते हैं नकाबपोश, और सरकार जो है सरकार के नाक के नीचे, गृह मंत्रालय के नाक के नीचे और गृह मंत्री के नाक के नीचे अगर इतना तांडव हो सकता है, पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है, आप जेल में घुस जाओ, गुंडे नकाबपोश करके पुलिस की तफ्तीश करना शुरू भी नहीं करे तो कहाँ जा रहा मुल्क, फिर कहाँ जाएगा, घटनाएं बढ़ती जाएगी, क्या होगा, जामिया मिलिया में क्या हुआ, पूरी विश्वविद्यालय के छात्र क्यों सड़कों पे आ गए, एनआरसी सीए एनआरपी सब बातें होती हैं, पहले भी नागरिकता संशोधन 7 बार हो गए हैं, वाजपेयी जी के वक्त में भी हुआ है, कोई हलचल नहीं हुई देश के अंदर,
अब क्यों हुई है? छिपा एजेंडा क्या है? जनता का रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमारे देश की खूबी है रॉबर्ट कॉमन सेंस, चाहे अनपढ़ है कम पढ़े लिखे हैं उनका कम नहीं है, वो समझते हैं कि क्या चाहते हैं लोग, क्या इनका मंशा क्या है, ये खाली मन की बात करते हैं, दिल में क्या है फर्क है। गांधी को अपनाए, अच्छी बात करी, पर गांधी को अपनाओ जुबान से नहीं, अपनाओ दिल और दिमाग से अपनाओ, हम स्वागत करेंगे आप। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये सवाल आपका, मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ प्रभावित कर सकता है स्थितियों को, परिस्थितियों को, मेरा मानना है। समाज में दमखम है, सोच है, गॉड गिफ्ट है आपको, मैं बात सोच समझ के कह रहा हूँ आपको, गॉड गिफ्ट है ये, हर एक को नहीं मिलती है, जो का इस्तेमाल कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, कलम का धनी है, अपने साथियों को प्रभावित कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, जैसे संजीव श्रीवास ने मुझे प्रभावित कर रखा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत समर्पित समाज है, समर्पित समाज है, मेमोरी भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया, सब कुछ गुण दिए हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ करके आपने आज ये अरविंद आश्रम में कर गया था, अरविंदो में कल रात को था, कल दोपहर को मैं था, और मैं मन में भाव लेके आया कि मैं जाऊँ तो कम से कम कुछ सोच के जाऊँ। मुझे खुशी है मेरा पहला प्रोग्राम आपके समाज में श्री चंद्रगुप्त जी महाराज साहब के सानिध्य में हो रहा है, सानिध्य में। मुझे लगता है कि मैं कुछ आने वाले वक्त में और कुछ सेवा के संकल्प ले सकूँ प्रदेशवासियों के। मेरी जिंदगी का एजेंडा सिर्फ एक है, प्रदेशवासियों की सेवा करना, जो कुछ कर सकता हूँ मैं पार्टी के माध्यम से मैं काम करूँ, मेरा एजेंडा और कोई जिंदगी है नहीं, ना मुझे कोई शौक है। और किसे कहते हैं तीन तीन बार मुख्यमंत्री बना दे जनता, और इस बार तो कमाल कर दिया आपने, चुनाव के पहले पूरे प्रदेश के पर प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भाव थे अगला मुख्यमंत्री बने कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनना चाहिए, ये जो भाव थे मैं समझता हूँ ये भाव ने मुझे भाव विभोर कर दिया है आपके लिए, प्रदेशवासियों के लिए, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी साबित हुई है। जनता ने जो छत्तीसगढ़ गाँव की जनता थी, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग दिल से पिछले चुनाव में 21 पे लाके छोड़ दिया मुझे आपने मोदी जी के नाम पे, कांग्रेस हारेगी राजस्थान से दिल्ली से और जीतेगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो ही प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, इस भाव ने 21 पे लाके छोड़ दिया। उस व्यक्ति को आप लोगों ने 5 साल के अंदर अंदर जिस रूप में एक भाव पैदा कर दिए, और राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने मुझे जिस रूप में विश्वास किया मुझ पर प्रदेशवासियों की भावनाओं को देखते हुए, और मौका दिया मुझे तीसरी बार काम करने का, अब मेरा धर्म क्या कहता बता दीजिए आप। धर्म यही कहता है मैं राजस्थान के छत्तीसगढ़ गांव की सेवा करूँ, हर पल हर सांस मेरे काम आए प्रदेशवासियों के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, और जो गरीब आदमी है कोई काम का हो। EWS का भी फैसला हुआ, मेरा सपना था 20 साल पहले, आप मेरे कुछ लोगों को मालूम होगा 20 साल पहले जब मुख्यमंत्री था मैं, तब मैंने कैबिनेट में प्रस्ताव लिया था जनरल कास्ट को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो 14% मिलना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को मैंने पत्र लिखा, हमने प्रस्ताव किया है बिना संविधान संशोधन के संभव नहीं होगा,
कृपा करके आप इसको लागू कर लीजिएगा। 17-18 साल लग गए, आखिर में 10% हुआ। राजस्थान में जो आप लोगों की भावनाएं थी, अड़चने थी, हमने उसको दूर किया। आज बड़ी खुशी है कि जनरल कास्ट के 10% आरक्षण के साथी और जो हक रखते हैं उनको आसानी से सारी अड़चन हट चुकी है। सिर्फ इनकम क्राइटेरिया रहेगा, इस बात को लेके जो फैसला हुआ पूरे प्रदेश में उसका वेलकम हुआ, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे पास इतने लोग आए होंगे कि मैं आपको कह नहीं सकता, इसलिए मैं आपको इतने ही कहना चाहूँगा कि समाज के अनूप भरदिया ने जिस प्रकार से अपना स्थान बनाया है समाज के अंदर, वो समाज के लिए नहीं बल्कि सभी समाज के लिए है, सभी समाजों के लिए हो, ये भाव हम सब में होने चाहिए। और जो फिल्म दिखाई गई अभी जिस रूप में, मैं समझता हूँ कि वो संकेत है कि 7-8 राज्यों में जाके अपना बाकी सरकारें अगर कुछ एक्सेप्ट करें तो ऐसे नहीं करती है, सोच समझ के करती है। अगर इनके स्किल को वो यूज कर रहे हैं तो अभी कहा गया मिर्जा इस्माइल आए थे यहाँ पर जयपुर में, मिर्जा इस्माइल रोड एम आई रोड अभी भी है, लोग अभी भी याद करते हैं। तो अनूप भरदिया के बारे में मैं अपनी ओर आप सबकी ओर से इनको मैं शुभकामनाएं दूंगा, ये अपने जीवन में सफल हों। जो इनकी स्किल डेवलपमेंट है, इनकी जो आर्किटेक्चर स्किल है, उसका उपयोग पूरे देश के लिए पूरे प्रदेश के लिए हो और ये कामयाब हो, क्षमा का नाम रोशन करे। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन शब्दों से मैं याद आ रही है कि ना जाति धर्म वर्ग भेद चाहिए, ना जाति धर्म वर्ग भेद चाहिए, हमें फलता फूलता हमारा देश हिंदुस्तान चाहिए।